होती है दिन की शुरुआत? क्या यही जिंदगी है? क्या कभी आमिर की किस्मत पलट सकती है? जी, आमिर जो आज कूड़ा बीनने का काम कर रहा है, इसकी आंखों में भी सपना है, सपना कुछ करने का, सपना बड़ा होकर पुलिस बनने का। आमिर आज अपने काम से कुछ समय निकालकर पढ़ने भी जाता है। शिक्षा हम सबका अधिकार है, फिर क्यों ये मासूम बच्चे आज भी अशिक्षित हैं? लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि देश का भविष्य सड़कों पर ना भटके, बल्कि पढ़े और आगे बढ़े। नीलम गुप्ता, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इन बच्चों को पढ़ाने का और इन्हें बेहतर जिंदगी देने का। नीलम गुप्ता एक एनजीओ चला रही हैं, जिसमें वो पढ़ो और बढ़ो नाम से एक प्रोग्राम चला रही हैं, जिसका एक ही मकसद है कि कोई भी बच्चा आमिर की तरह कूड़ा ना बीने, बल्कि पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हमारा प्रयास ये रहता है कि ऐसे बच्चों को हम अपने सेंटर पर लाएं। आज हम खास तौर से इस बच्चे को इसके माँ बाप को समझा कर अपने सेंटर पर लेकर आए। पढ़ो बढ़ो पर ये बच्चा आया है, अब इसकी इतना ध्यान रखा जाएगा कि यह पढ़ लिख कर अपने उचित शिक्षा पाकर पास के स्कूल में जाए तथा अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। इनके माँ बाप बहुत खुश हैं कि हम बच्चे के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, इसको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, यहाँ पर इसको पढ़ाया लिखाया जाएगा। नीलम की कोशिश रहती है कि वो ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को शिक्षा की अहमियत बता पाए और उन्हें ऐसे स्कूलों तक ला पाए। आज जहां हमारा देश तेजी से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, वहीं समाज की एक सच्चाई ये भी है कि बहुत से बच्चे अपनी जिंदगी सड़कों पर बसर कर रहे हैं। खाने के लिए दो वक्त की रोटी कमाना ही उनके दिन भर की सबसे बड़ी मशक्कत होती है और यही वजह है कि ये बच्चे शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। और ऐसी ही अंधेरी जिंदगियों में रोशनी भरने की कोशिश की है नीलम गुप्ता ने। जैसा कि आपने देखा, ये छोटे छोटे बच्चे शिक्षा से कोसों दूर रह गए हैं। गरीबी के कारण इनके माँ बाप इन्हें स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं। बहुत सी अधिकतर इनकी लाइफ कूड़ा बीनने में, छोटे छोटे काम करने में, फैक्ट्रियों में, गलियों में, अधिकतर बच्चों की इसी तरह ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, इनका बचपन कहीं खो जाता है। मेरा प्रयास यह है कि इन बच्चों को हम शिक्षा तक पहुंचा पाएं, ताकि ये देश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान कर पाएं। नीलम आज अपनी संस्था के जरिए दिल्ली और NCR में ही तकरीबन 200 सेंटर चला रही हैं, जहां इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार दिलाने के लिए एक प्रयास है। आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में करोड़ों बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, या तो वह स्कूल नहीं जा रहे हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं। दिल्ली की बस्तियों में, झुग्गी झोंपड़ियों में भी एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.25 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। असली फिगर इससे कहीं ज़्यादा है। हमारा प्रयास है कि उन सभी बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया जाए। पढ़ो और बढ़ो के छोटे छोटे सेंटर सभी झुग्गी झोंपड़ियों में, बस्तियों में खोले जाते हैं। लगभग 200 सेंटर आज की डेट में इन बस्तियों में चल रहे हैं, जहां वह बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको लाया जाता है तथा उनको स्कूल तक पहुंचाया जाता है। पढ़ो और बढ़ो प्रोग्राम 2009 में शुरू किया गया और इसकी कामयाबी ही है कि नीलम अब तक 10,000 बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन करवा चुकी है। इनका एक ही मकसद है कि ऐसे बच्चों के साथ वो समय बिताएं और इन्हें मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा ही वह कुंजी है, वह चाबी है जिससे हम अपनी उन्नति के द्वार खोल सकते हैं। उसी से हमारी गरीबी दूर हो सकती है, उसी से हमारे बच्चों को समान अधिकार मिल सकता है तथा वह आगे बढ़ सकते हैं। हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सभी बच्चों को शिक्षित करना होगा। हमें यह सुविधा हर बच्चे तक पहुंचानी होगी, यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा शिक्षित हो तथा ऊंची शिक्षा पाए और उन्नति की ओर अग्रसर हो।